आई एम सारा, रोल नंबर 214। मैंने बस ये रिजर्वेशन के लिए एक चैटबॉट बनाया है और उसको फेसबुक मैसेंजर के साथ इंटीग्रेट किया है। तो सबसे पहले मैं एक डेमो शो करवाती हूँ। जैसे ही मैं हाई करूँगी तो एक इमेज और एक मैसेज पॉपअप होगा जिसमें वो पूछेगा कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगी दैट आई वॉन्ट टू रिजर्व अ सीट। जैसे ही मैं ये लिखती हूँ तो मुझे लिस्ट ऑफ सिटीज़ की जो है वो प्रोवाइड कर देंगे जहाँ जहाँ ये अपनी सर्विसेज इस वक्त दे रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसमें से मुझे एक डिपार्चर सिटी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद वो मुझे सिलेक्ट डेस्टिनेशन के लिए कहेंगे और मुझे लिस्ट ऑफ कार्ड्स जो है डिस्प्ले होने शुरू हो जाएंगे। उसमें से मैं कोई भी एक सिटी को जहाँ मैं जाना चाहती हूँ उसको चूज़ कर लूँगी बुक नाउ के ऑप्शन के या बटन के ऊपर क्लिक करते हुए। और पेशावर के लिए अगर मैं करूँ तो मैं बुक नाउ के ऊपर जैसे ही करती हूँ तो मुझसे टाइमिंग पूछता है कि इसमें से कोई एक टाइम के लिए जो है कि अगेंस्ट आप अपनी सीट बुक कर लें। मैं 8 o'clock के लिए बुक करती हूँ और साथ में मुझसे सीट लास्ट पूछता है कि कोई एक सीट लास्ट भी बुक कर लें। तो जैसे ही मैं फर्स्ट जो है लिखती हूँ जैसे ही मैं फर्स्ट लिखती हूँ तो साथ में वो मुझसे उसके टिकट के जो है प्राइस बताता है और मुझे कहता है कि अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो से येस और अदरवाइज नो। मैं येस कहती हूँ और मुझसे कुछ पर्सन जो है क्वेश्चन जो है करता है और मुझसे इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहता है। जैसे नाम हो गया, कितनी सीट रिजर्व करना चाहती हूँ मैं, वन पैसेंजर टाइप क्या है, अडल्ट है जो है, नंबर क्या है और किस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो मैं लेट सपोज के मैं इसी पैसे से जो है पेमेंट करना चाहती हूँ। वो तो मुझसे अकाउंट नंबर मांग सकता है, फिर मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा और पूछेगा कि अगर ये इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं। सो इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट, अगर प्रॉब्लम हुई तो हम लोग दोबारा इंटरव्यू कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन या डिसमिस कर सकते हैं बुकिंग। मैंने इन्फॉर्मेशन करेक्ट का ऑप्शन चूज़ किया है तो यहाँ मेरा सक्सेसफुली बुक्ड हो चुका है। अब हम आते हैं डायलॉग फ्लो में। तो सबसे पहले डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट में हम जाते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने एक इमेज यूज़ की हुई है और एक टेक्स्ट जो है रिस्पांस जनरेट किया हुआ है हाई के साथ, एक वेलकम का टेक्स्ट रिस्पांस जो हम लोगों ने जनरेट किया हुआ है। उसके बाद हम लोग जाएंगे सीट बुक वन के इंटेंट के अंदर जहाँ हम लोगों ने जैसे ही वो रिजर्व करना चाहता है सीट, तो फिर हम लोगों ने उसको लिस्ट ऑफ ऑप्शंस जो है सिटीज़ को प्रोवाइड किए हुए हैं कि इन इन सिटीज़ के लिए ये जो है ये बस सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाती हैं। और उससे डिपार्चर की सिटी का भी पूछ लिया है कि जहाँ से वो जाना चाहता है और जिधर वो जाना चाहता है उसके लिए सीट बुक टू का हम लोगों ने एक इंटेंट बनाया है। जैसे ही वो डिपार्चर में किसी एक सिटी को सिलेक्ट कर लेता है गिवन सिटीज़ में से, तो फिर वहाँ से हमें सिलेक्ट डेस्टिनेशन का टेक्स्ट रिस्पॉन्स आएगा। साथ में फेसबुक के अंदर हम लोगों को इस तरह के कार्ड जो है शो होने शुरू हो जाएंगे। उसमें से हम किसी भी जो है सिटी के लिए हम अपनी जो है सीट बुक कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन बुक नाउ बटन। जैसे ही हम इस बटन पे जो है क्लिक करते हैं तो हमें टाइमिंग और सीट के लिए इंटेंट के ऊपर हम लोगों को जाना पड़ता है। यहाँ हम लोगों के पास जो काबिले गौर बात है वो एंटिटीज़ के बारे में है कि एंटिटी क्या है। एट एस सी जो एंटिटी है उसमें हम लोगों ने क्लासेस को डिफाइन किया है, फर्स्ट इकॉनमी और बिजनेस, यानी कि कोई भी यूज़र इन्हीं जो क्लास में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा अपने से कुछ भी नहीं। उसी तरह टाइमिंग भी के बारे में भी है कि 8 o'clock, 16 o'clock, 13 और 21, ये नहीं है कि वो 9 o'clock को चूज़ कर ले। उसके बाद हम दोबारा से इंटेंट्स में जाते हैं। तो यहाँ हम जैसे चलिए फर्स्ट इकॉनमी और बिजनेस के लिए एक ही है तो कोई एक को मैं ओपन करके बता देती हूँ। तो जैसे ही मैं फर्स्ट का मैं ओपन करके आपको बता रही हूँ कि उसके जैसे ही मैं फर्स्ट लिखती हूँ कि सी क्लास को जो है चूज़ करती हूँ तो वो मुझे टिकट के प्राइस बताएगा और साथ ही साथ वो कहेगा अगर आप कंटिन्यू करना चाहती हैं तो येस कहें। जैसे ही मैं येस करूँगी तो मुझे इन्फो के इंटेंट में ले जाएगा। वहाँ से मुझसे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, पेमेंट मेथड वगैरह गैदर करेगा, और जब ये गैदर कर लेगा तो मुझे अब मैंने एंटर्ड डेटा दिखाएगा और साथ में पूछेगा कि आया कि मैंने जो जो यूज़र ने इन्फॉर्मेशन एंटर की है वो ठीक है या नहीं। अगर जो ठीक हुई तो फिर सक्सेसफुली हम लोग बुक कर लेंगे, अगर नहीं हुई ठीक तो फिर हम जो है हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं। उससे पहले मैं एंटिटीज़ में जाकर पेमेंट मेथड और पैसेंजर टाइप को दिखाना चाहती हूँ जो हम लोगों ने यहाँ यूज़ किया। पैसेंजर टाइप में हम लोगों ने तीन टाइप के यूज़ किए कि चाइल्ड होगा, अडल्ट होगा या टीनेजर। इनमें से इन तीनों में से कोई एक टाइप का जो है पैसेंजर हो सकता है, या फिर पेमेंट मेथड को हम कह सकते हैं कि या तो वो इजी पैसे से करें या जैस कैश से करें या बुक मी से करें। अब हम दोबारा इंटेंट की तरफ जाते हैं। अगर तो हमारे इन्फो में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम दोबारा से जो है इंफॉर्मेशन को एंटर करें या फिर हम लोग यहाँ डिसमिस कर सकते हैं बुकिंग को, ये डिपेंड करता है यूज़र पे।
उसके बाद अगर हम लोग सक्सेसफुली हम लोग कर चुके हैं बुकिंग, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ हमें एक थैंक यू फॉर चूजिंग अस का एक मैसेज या टेक्स्ट रिस्पॉन्स डिस्प्ले होगा, और साथ ही साथ हमें फेसबुक की मदद से एक इमेज भी डिस्प्ले होती हुई दिखेगी।